बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कांशीराम के जन्मदिन पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने बड़ा ऐलान किया है। मायावती ने कहा कि उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में बीएसपी अकेले चुनाव लड़ेंगी। साथ ही मायावती ने कहा कि बीएसपी ही एकमात्र पार्टी है जो उनके उद्देश्यों को लेकर आगे चल रही है। बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने कहा कि बहुजन समाज पार्टी का हौसला कम नहीं होगा। सत्ता या विपक्ष में बैठी जातिवादी पार्टियों के साम दाम दंड भेद से सावधान रहना है। कांशीराम के बाद बीएसपी ही एकमात्र पार्टी है जो उनके उद्देश्यों को लेकर आगे चल रही है। साथ ही मायावती ने केंद्र सरकार से अनुरोध किया है कि कृषि कानून को वापस लिया जाए। मायावती ने कहा कि हम इस मुद्दे पर किसानों के साथ खड़े हैं। जिन किसानों की मृत्यु हुई है उचित मदद मिलना चाहिए। मायावती ने कहा कि कांग्रेस और बीजेपी की सरकारों के नए नए नियम से लोग परेशान होते हैं। कृषि कानूनों के खिलाफ हम हैं और केंद्र से हटाने का अनुरोध किया। बताना चाहती हूं कि बीएसपी विरोधी जातिवादी पार्टियां व्यक्ति चाहे सत्ता में हो या विपक्ष में, खासकर चुनाव के समय में ये सभी पार्टियां व्यक्ति किसम किसम के साम दाम दंड भेद आदि अनेकों हथकंडे इस्तेमाल करके बीएसपी के विरुद्ध एकजुट हो जाती है। कांग्रेस बीजेपी व अन्य पार्टियों की जो भी सरकारें चल रही हैं, तो वे आए दिन ऐसे नए नए नियम व कानून आदि बना रहे हैं जिसमें उनका और ज्यादा पतन हो रहा है। हमारी पार्टी किसी भी पार्टी के साथ चार राज्यों में गठबंधन नहीं करेगी। अकेले अपने बलबूते पर चुनाव लड़ने का फैसला लिया और लड़ रही है।